ये 3 कॉल्स हुई हैं पुलिस स्टेशन और 8:05 पे सर के साथ हादसा पेश आया। बाबा पुलिस स्टेशन क्यों कॉल कर रहे थे? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं जानती हूँ बाबा, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। बाबा मैं सहारा हूँ, प्लीज आके खोले। बकवास बंद करो अपनी और चली जाओ यहाँ से। साबरा ने बेला को सब कुछ सच सच बता दिया। शुक्र एटलीस्ट बाबा को तुम्हारा असली चेहरा तो नजर आया। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। तरसा है मुझे तुम्हें इस हालत में देख के। क्या जरूरत है सब कुछ करने की? चुपचाप घर मेरे नाम ही करते थे, लेकिन तुमने तो हीरो बनना था। सीधा वहां आज के घर ही आकर अब मैं देखती हूं कि तुम कैसे बचते हो। तुम्हें तड़प तड़प के ना मारा, तुम मेरा नाम भी शास माने। अभी ऐसा ने आंखें खोली थी, मैंने खुद देखा। देखा शाजवा, ये होता है बीवी से प्यार। अरे तुम्हारी आवाज सुनकर कोमा में पड़े हुए हसन ने झटपट आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय मेरी बेटी। से तो बाहर आ गए हैं, मगर मगर फालिस से उनकी बॉडी मुतासिर हुई है। कुछ अरसे के लिए वो चलने फिरने बोलने और अपनी बॉडी की मूवमेंट से माजूर हो गए हैं। साहब ऐसा कब तक रहेगा? इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। 6 महीने, साल, 2 साल या इससे भी ज्यादा, ये उनकी केयर पे डिपेंड करता है। जिस कदर हो सके उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें, उनका खास ख्याल रखें, तो मुमकिन है वो इस शॉक से जल्द बाहर आ जाएं। साथ ही उनकी फिजियोथेरेपी का भी आगाज किया जाएगा। इसके लिए एक अटेंडेंट को अपॉइंट किया जाएगा जो दिन रात उनके साथ रहे और उनका ख्याल रखे। पता है बेला, बाबा ने आज तक कभी भी हमें माँ की कमी नहीं महसूस होनी, लेकिन आज मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रही। काश वो आज हमारे साथ होती। एहसन को इस हाल तक पहुंचाने वाली तुम हो, दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से, प्लीज दूर चली जाओ। मैं अब तुम्हें बाबा के करीब भी नहीं आने दूंगी। छोड़ो सारा, इस औरत के मुंह मत लगो। तुम होती कौन हो मुझे एहसन के पास जाने से रोकने वाली? मैं बीवी हूं उनकी और मुझसे ज्यादा खिदमत कोई एहसन की कर नहीं सकता, समझी तुम?
मनहूस कहेंगी। कुदरत भी हमारा खूब साथ दे रही है। पहले एहसन का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हादसे की वजह से हमेशा के लिए मफरूज हो गया। तुमने अच्छी तरह कंफर्म किया है ना? वो वाकई नहीं बोल सकता। हाँ हाँ, 100% कंफर्म। जबरदस्त यार। अब शाजमा, तुम्हें उस घर से तब तक नहीं निकलना जब तक जायदाद का बड़ा हिस्सा तुम अपने नाम ना करवा लो, और उसके लिए तुम्हें एहसन के लीगल एडवाइजर को शीशे में उतारना होगा। बस किसी तरह मैं पेपर साइन करवा लूं एहसन से, फिर हयात हाउस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सुनो, तुम एक काम करो, एहसन की देखभाल के लिए हम एक बंदे की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ वो बंदा हम खुद हायर करें। हमने किसी भी तरह एहसन को सेहतयाब होने से रोकना है, क्योंकि एहसन की सेहतयाबी हमारी बर्बादी है बहाज। और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे वहां कौन घुसने देगा बहाज? पहले तो मुझे एहसन की सपोर्ट थी, अब तो वो मफलूज हो चुका है। उसकी बेटियां ना मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी। शाज़मा, एक आइडिया है। क्या? तुम वहां जाकर बोलो कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? फिर किसी का बाप भी तुम्हें वहां से नहीं निकाल सकता। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले बहाज? मानती हो ना कि तुमसे ज्यादा दिमाग मेरा चलता है। ये तो बेहतरीन आइडिया बहाज। अब बस मैं एक दफा उस घर को टेक ओवर कर लूं, फिर तो आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी मैं। मैं तुम्हें एहसन का काम तमाम करने के लिए एक मेडिसिन भी दूंगा, जो तुम्हें उसके खाने में मिलाकर बाकायदगी से देनी है उसे। और फिक्र मत करो, अटेंडेंट का भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं। लेकिन याद रखना, इस बात का किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। चल शाजमा, चल अपने घर वापस चलने की तैयारी कर, हयात पहले से एक बार फिर तेरा मुंतजर है। चले अम्मा, भूख बहुत लग रही है, खाना खाते हैं। चलना। तो बोले बाबा प्लीज। हम सब तड़प रहे हैं, प्लीज बाबा से समथिंग। हाँ हाँ बाबा, बाबा बोले, कोशिश करें बोलने की। बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं बोलने की मामा। कोशिश करें हरकत करने की, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, काइंडली आगे फायर क्लियर करवा दें। मैं सामान उठवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। साबरा, आपने बाबा का कमरा नीचे सेट करवा दिया? वो तो शाजमा बेगम ने सुबह आते ही सेट करवा दिया था। क्या? वो कब आई और तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? मैं भला क्या करती, साहब की बेगम है, इन घर की मालकिन है, मैं कैसे रोकती उन्हें? कोई मालकिन मालकिन नहीं है, और तुमने तो मुझे बताया था कि बाबा और वो। ये वक्त इन बातों का नहीं है बेला, अंकल को आराम की जरूरत है। सारा अंकल को अपने कमरे में ले जाओ। अरे एहसन, शुक्र शुक्र है अल्लाह का, आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। एहसन, मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं
मैं आपको इस हालत में देखूंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। पीछे करो बाबा से, उनकी बेटियां उनका ख्याल रख सकती हैं। हम तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहते अपने बाबा पर। तुम मुझे इनका ख्याल रखने से और इनकी खिदमत करने से रोक नहीं सकती। इनकी बीवी और होने वाले बच्चे की माँ होने की हैसियत से मैं इस घर में रह भी सकती हूँ और फैसले भी कर सकती हूँ। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी बात को चैलेंज करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? हाँ, मैं माँ बनने वाली। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी तुम लोगों में से कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो मैं ये रिपोर्ट अपने साथ लेकर आई हूँ। देखो, ये झूठ है। तुमने ये फेक रिपोर्ट्स बनवाई हैं। तुमसे इसी मकारी की तवक्को की जा सकती थी। ऐसा आप देख रहे हैं, आपकी बेटियां मेरे साथ क्या सलूक कर रही हैं, क्या इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। अगर आज आप ठीक होते तो कभी मेरे साथ ये सलूक ना होने देते। आप प्लीज अपनी बेटियों को बोल लेना मुझे मुझे आपके साथ रहने दें। मुझे आपको ठीक करना है, मुझे आपकी खिदमत करनी है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पीछे हटो तुम लोग, मैं ऐसन का खुद ख्याल रखूंगी। चल ऐसा, मैं खुद ऐसन का ख्याल रखूंगी। ऐसा चुकर आप घर आ गए। साबरा, आओ मेरे साथ। साबरा, जब हम परसों घर आए थे तो तुमने बताया था कि बाबा और शाजमा के दरमियान बहुत तल्खियां चल रही हैं। नहीं बेला बीबी, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तो कहा, झूठ मत बोलो साबरा। ये सब कुछ तुमने मेरे सामने बेला से कहा था, और ये भी कहा था कि शाजमा अंकल को ब्लैकमेल करके ये घर अपने नाम करवाना चाहती है। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कभी उनका आपस में झगड़ा नहीं हुआ, वो बहुत खुश थे। सच और झूठ जो भी है सब पता चल जाएगा। ये भी यही है और हम भी यही। नहीं सारी, ये अपनी झूठी बातों से हमें कायल नहीं कर सकती। इसको तो मैं बाद में देखूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ बोलती है। मुझे शाजमा पर बिल्कुल यकीन नहीं। मैं कर ही नहीं सकती। जितनी वो शातिर है वो कुछ भी कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये वक्त जज्बात का नहीं, समझदारी का है। मैं एहसन साहब के पास ही रुकना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो, तुम चाहे मुझसे ना कहो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें इस वक्त एहसन साहब के पास ही रुकना चाहिए। अब ये जाना चाहती है तो जा सकती है। वो घर अब जैसा भी है तो इसी का है। तुम होती कौन हो इस मामले में बोलने वाली? इस घर में रहने के लिए ना पहले मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत थी और ना अब है। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम दोनों के मुंह लगने का। तुम टकेगा मुलाजिम। तुम्हारी इतनी सारा। छोड़ो मुझे सही। तुम जानते हो ना कितनी फरेबी और मक्कार औरत है ये। झूठी रिपोर्ट्स बनाकर ले आई है ताकि मेरे बाबा की प्रॉपर्टी को हथिया सके। तुम बाबा की कंडीशन का तो फायदा उठा के उन्हें पागल बना सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। ले जाओ इस आवारा को यहाँ से। बाप को इस हाल तक पहुंचा के भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? आ गई है दोबारा इस घर को जहन्नुम बनाने के लिए। हम्म,
एहसन हयात। नफरत हो रही है मुझसे, गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरी लग रही हूं मैं। खत्म हो जाएगा ये सब बहुत जल्द, यकीन करो अपनी बीवी पे। तुम गई नहीं अभी तक यहां से? ये मेरे बाप का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से। तुम देख नहीं रही एहसन की तबीयत खराब होती है तुम्हें देख के? जाओ यहां से। मैं बाबा को तुम जैसी मकार औरत के पास तनहा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? ठीठ कहेंगे। जहीन, सारा कहाँ है? वो एहसन साहब के पास ही रुकेंगी। सारे एहसन साहब की तबीयत से आगाह करते रहिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बताइएगा। मैं अब चलता हूं। ज़हीन, ज़हीन तुम्हें नहीं लगता ये हमारा पर्सनल मैटर है? तुमने हमारी मदद की, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। सारिम ठीक कह रहे हैं ज़हीन, तुमने इस बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, उसके लिए थैंक्स। मगर इसका मतलब यही नहीं है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मान लें। मैं जानता हूं आपके लिए मेरी हैसियत को तस्लीम करना आसान नहीं है, ना था, मगर मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये दोनों बहनों का पर्सनल मैटर है। हाँ सारिम, ये मेरी बहन के फ्यूचर का मैटर भी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मसले का कोई फैसला हमें कर लेना चाहिए। क्या मतलब है आपकी इस बात का? और आप लोग कैसे कर सकते हैं मेरी और सारा की जिंदगी का फैसला? ज़हीन, ये एक दो दिन की बात नहीं है। अब सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बर्बाद तो नहीं कर सकती। अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। मैं सारा की मर्जी जाने बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। जो वो चाहेगी वैसा ही होगा, और इस बात के लिए ना कोई मुझे फोर्स कर सकता है ना सारा को। ये मेरी बहन के फ्यूचर का मैटर भी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मसले का कोई फैसला हमें कर लेना चाहिए। ज़हीन, ये एक दो दिन की बात नहीं है। अब सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बर्बाद तो नहीं कर सकती। अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। अंकल भी यही चाहते हैं कि मेरी और सारा की शादी हो जाए। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाकर खुद कहा था। बहुत जल्द वो तुम दोनों को अलग करके सारा को मेरा बना देंगे। बेला ने मुझे तुम्हारे पास आने और वापस ले जाने से मना किया है। अगर ऐसा है तो मैं फैसला करने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं। ये बशीर है और आज से ये ड्यूटी देगा और दिन रात अंकल की देखभाल करेगा। बेला तुम इन्हें सारी ड्यूटी समझा दो। बेला क्यों समझाएगी? मैं हूं यहां, मैं खुद देख लूंगी। जब तक बाबा सेहतयाब नहीं हो जाते तुम गेस्ट रूम में रहोगी। डॉक्टर साहब ने इन्हें आराम और सुकून के लिए कहा है। इनके सामने लड़ने झगड़ने और बहस करने से परहेज तभी हो सकता है जब तुम इनके सामने मौजूद ना हो। ऐसी सूरत में सिर्फ
बशीर इन्हें लुक आफ्टर करेगा। बाबा अब आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने है, बस दुआ करो। बाबा को किसी तरह के भी डिप्रेशन से दूर रखना अब हमारा काम है सारा। ये तो तभी हो सकता है जब वो शाजमा यहाँ से चली जाए। शाजमा इस कमरे में अब नहीं आएगी। और सुनो, तुम इस बात का ख्याल रखोगे कि बाबा के साथ हमारे अलावा कोई बात ना करे। ओके मैम। मेडिसिन इन्हें टाइम पर देनी है, हर 5 घंटे बाद इनकी फिजियोथेरेपी होगी और दिन में 2 दफा इन्हें लॉन में लेकर जाना है, समझ गए? ठीक है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा शाजमा तुझे, क्या तुर्क का पत्ता फेंका है तूने। अब तुझे उस घर से कोई निकाल ही नहीं सकता। हालात पहले जैसे नहीं रहे अम्मा, वो सारा वापस आ गई है और आते ही उसने अपनी मनमानी शुरू कर ली। और वो बेला, उसने तो मुझे हसन के कमरे से भी निकाल दिया, उसी पर मुझे गेस्ट रूम में रहना पड़ रहा है। चलो अच्छा है ना, तुम्हारा अलग कमरे में रहना ही बेहतर है। अगर कल कला को हसन मर गया तो सारा इल्जाम तेरे ऊपर ही आएगा, तू उसे दूर ही रहे तो बेहतर है। खुदा के लिए ये बातें फोन पे मत करें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और मेरी बात याद रख, उसकी बेटियों से उलझना छोड़ दे। उससे उलझने की क्या जरूरत है, बस तू अपने मकसद पर तवज्जो दे। वैसे ठीक कहती हैं आप, मुझे जल्द से जल्द इस घर के कागज अपने नाम करवाने हैं बस। हाँ, ये काम तुझे बहुत एहतियात से करना है, तू समझ रही है ना मेरी बात? जहीन की कॉल आई थी मुझे दोपहर में, बता रहा था कि एहसन साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र शुक्र। जहीन भी कह रहा था कि शाम तक पहुंच जाएगा। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए हो? सारा को लेकर नहीं आए? एहसन साहब की तबीयत कैसी है? बेहतर है अबा, और सारा कुछ दिन के लिए वहीं रहेगी। अच्छी बात है, एहसन साहब की देखभाल के लिए उसको वहां रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए, शायद तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। नहीं अब्बा, मेरी जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, कल मैंने दफ्तर जाना है और फिर सारे मैं ना वहां पर, सारे उनका ख्याल रख रहा है। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, सारे में ही तो असली दामाद है उनका। वैसे भी एहसन साहब ने इसको कभी दामाद माना ही नहीं। क्यों, तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी? लो भाई, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ मैं। क्यों अब्बा, आप बताएं, सही नहीं कह रही मैं? तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी होता है। जाओ किचन में जाकर खाना गर्म करो जहीन के लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खा कर आया। यूं कहो कि ससुराल से खाना खा के आए हो। जहीन बेटा, कल शाम को एहसन साहब के घर ले चलोगे हमें? हाँ अम्मा, मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं ले जाऊंगा आप लोगों को। और वैसे भी डॉक्टर ने मना किया अभी एहसन साहब को किसी से मिलने जुलने से। इसको क्या हो गया? अम्मा मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे नहीं लगता कि सारा इस घर में कभी वापस आएगी। लिख के देने को तैयार हूँ मैं आप दोनों को। बुराई सोचना हमेशा बुराई है। हेलो, कैसे हो जहीन? कौन? रूमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? कैसे भी मेरा पता, एक तो मैं तुम्हारी खैरियत मालूम कर रहा हूँ और तुम मुझे पे गरम भर रहे हो। तुम्हारी ना भलाई इसी में है कि आइंदा मुझे कॉल करने की जुर्रत मत करना।
समझ नहीं आती तुमने अकड़ किस बात की यार। कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब ड्राइवर, मेरी वजह से तुम्हें चांस मिल गया। मरना तुम इस काबिल थे कि सारा जैसी लड़की तुमसे शादी करती। सारा तुम्हें धुतकार कर मेरे पास आई है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ और यही मेरे लिए काफी है। आ तो गई थी लेकिन अब पछता रही है। उसका बस चले तो सेकंड ना लगाए तुम्हें छोड़ने में, फौरन तुमसे तलाक लेके मेरे पास आ जाए। बकवास बंद करो अपनी। लगता है सारा से उस दिन की अपनी बेइज्जती भूल गए हो तुम। भूला मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। याद रखना, अंकल भी यही चाहते हैं कि मेरी और सारा की शादी हो जाए। उन्होंने मुझे अपना ऑफिस बुलाकर खुद कहा था कि वो सारा के इस फैसले से खुश नहीं है। बहुत जल्द वो तुम दोनों को अलग करके सारा को मेरा बना देंगे। खुशगुमानी बुरी चीज नहीं। एहसन साहब ठीक हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। तुम भी यही हो और मैं भी। सारा सारा उठ जाओ। सारा ये क्या, एक ही अंडा लाई हो? एक ही था तो मैं तुम्हारे लिए बना कर लूंगी। क्या हुआ? ज़हीन सोने दो। ज़हीन तंग मत करो, सोने दो, बहुत नींद आ रही है। सारा उठो। ज़हीन सो, उठो सारा। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो, अपने घर पर मेरे और बाबा के साथ। उठो जल्दी से, फ्रेश हो जाओ। मैंने साबरा से कहा है कि हमारा ब्रेकफास्ट बाबा के रूम में लगवाए। आज सारा दिन हम बाबा के साथ स्पेंड करेंगे, उन्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाएंगे, बाबा को वॉक भी करवाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। चलो उठ जाओ। ज़हीन नहीं आया। ज़हीन ने यहाँ क्यों आना था, उसका क्या काम? चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ नीचे। Yes, ma'am. मैं कल से देख रही हूँ दोनों लड़कियां एहसन को चिपकी हुई हैं। कोई खाना खिला रहा है और कोई वॉक करवा रहा है।
तुम्हें मैंने किस लिए रखा यहाँ पे? आज डॉक्टर भी आया था फिजियोथेरेपी के लिए। देखिए मैम, डॉक्टर तो बाकायदगी से आता ही रहेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, जो मेडिसिन मुझे बाद साहब ने दी थी मैं वो बाकायदगी से रोज उनके खाने में मिलाकर दे रहा हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह की तरफ चले जाएंगे। मुझे झूठी तसल्लियां मत दो, जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, ऐसा हर किसी कुछ नहीं होगा। Excuse me, काफी बेहतर है। अब जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आता रहूंगा। वेलकम सर। कैसे चल रहा है सब कुछ? फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। और आप मुझे प्लीज बताते रहिएगा जो भी इंफॉर्मेशन। तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची हो? रास्ते में हूं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। शाजमा सारे ऑफिस आया है। हाँ, इससे पहले कि वो कंपनी के सारे मैटर्स को हैंडल करे, तुम जल्द से जल्द पहुंचो यहां पर। ओके। बेगम कुछ दिनों के लिए हैदराबाद गई हैं। उन्हें एहसन साहब ने एक फैक्ट्री की विजिट के लिए भेजा था। उन्हें मैंने इस हादसे की इत्तला कर दी है और वहां से वो रवाना हो चुकी है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूं। हेलो, कहां हो ज़हीन? अभी ऑफिस में हूं। तुम बताओ कैसे हैं एहसन साहब? वैसे ही हैं जैसे कल तुम छोड़ के गए थे। क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? पता नहीं, बट तुम्हारी कमी को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है। जिंदगी का जैसे कोई मकसद ही नहीं नजर आता। जिंदगी बहुत बेरंग सी लगने लगी है। ऐसा क्यों होने लगा है सही? शायद मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि मुझे चाहने लगी हो? मोहब्बत हो गई है तुम्हें मुझसे? मोहब्बत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो जाती है मोहब्बत? अगर मोहब्बत नहीं करती तो मुझे मिस क्यों कर रही हो? अपने दिल की सुनो सारा, इस बार तुम्हें अपने दिल की सुनना ही होगी, ना कि किसी और की। बेला सारिम। सारिम और बेला कहाँ से आ गए इस कॉन्वर्सेशन में? बेला ने मुझे तुम्हारे पास आने और वापस ले जाने से मना किया है। क्या तुम भी यही चाहती हो सारा? अगर ऐसा है तो मैं फैसला करने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। सुन रही हो सर? सारा, हेलो हेलो, से मोहब्बत हो गई है सारा, मोहब्बत।
आज की मीटिंग्स की सारी डिटेल मुझे भिजवाओ और वह आज को यहाँ भेजो अंदर। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आज आप यहाँ कैसे? आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछ रहे हैं कि वो अपने ऑफिस में क्या कर रही है? जहां तक मुझे याद पड़ता है आपको तो 3 महीने पहले ही इस डेजिग्नेशन से हटा दिया गया था। इनफैक्ट एहसन साहब ने तो आपको कंपनी से ही निकाल दिया था। मैं फरहाद की बीमारी की वजह से लंबी छुट्टी पे थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई। मैंने हमेशा एहसन के एब्सेंस में इस ऑफिस के मामला संभाले और आगे भी संभालूंगी। एहसन ने हमेशा कंपनी के मैटर्स में मुझ पे इत्मीनान किया, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं। मैं एहसन हयात का दामाद हूं, मुझे यहां आने से तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, तुम रोज के रूटीन के काम करती रहो, लेकिन आज से कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स मैं खुद देखा करूंगा। मेरी लीगल एडवाइजर से बात हो गई है, एहसन साहब की गैर मौजूदगी में साइनिंग अथॉरिटी मुझे और पेला को दी जाएगी। Got it?